उत्तराखंड में अब सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों पर शिकंजा कसने वाले उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को गुरुवार को राजभवन ने मंजूरी दे दी। बता दें कि ये विधेयक गैरसैंण में हुए मॉनसून सत्र के दौरान 23 अगस्त को पास हुआ था, जिस पर विधायी विधायक से औपचारिक नोटिफिकेशन के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। अब इसके साथ ही राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने से जुड़े उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दे दी है। अब इसी को लेकर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में उपद्रव फैलाने और सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई को सीएम धामी ने सख्त कानून बनाने की घोषणा की थी, जिसे राजभवन ने भी मंजूरी दे दी। और सबसे खास बात कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। अब देखना होगा कि इन सख्त कानूनों का क्या सकारात्मक असर देखने को मिलता है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को मुकदमों में फंसाना चाहती है, उनके ऊपर केस करना चाहती है। ये ऑलरेडी पहले से कानून बने हुए हैं कि जो सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करेगा, दंगा करेगा, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये कोई नई बात नहीं है। आज आप नया ले आए हो, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता आपके विचारधारा का नहीं अगर विरोध कर रहा है तो आप उसको फंसाने के लिए इस तरीके का कानून इस प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। जो गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ और उसमें गंगा विरोधी अधिनियम को पास किया गया, और मैं माननीय राज्यपाल जी का बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए, यानी अब वो कानूनी शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। आप जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र में एक अधिकार है कि हम अपने बात को प्रदर्शन के माध्यम से, हम आंदोलन के माध्यम से जिसको हम अपनी बात कहना चाहते हैं करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में या उसके अंदर जो लोग अराजक तत्व हैं या कोई भी आंदोलनकारी किसी निजी संपत्ति को या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो एक बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने किया। मैं धामी जी को, यानी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बहुत बधाई दे रहा हूं कि अब इस प्रकार के जो दंगे हैं या जो क्षति है, निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, सार्वजनिक संपत्ति भी जनता की संपत्ति होती है, वो कहीं ना कहीं अब उस पर विराम लगेगा, रोकथाम लगेगी और एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। 3 महीने के अंदर आप क्लेम करिए, और उसमें बहुत बड़ा एक प्रावधान किया गया है कि बाजारी रेट पे उस क्षति संपत्ति का क्षतिपूर्ति आंदोलन करने या जो नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है, समूह है, उससे उसकी भरपाई की जाएगी। आप जानते हैं कि 2018 में जो वेतन मिलता था माननीय विधायकों को, उसी अभी 6 साल बाद भी उतना ही उनको मिल रहा था। हमारे माननीय विधायकों की मांग के बाद एक माननीय प्रीतम सिंह जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिसने कुछ सिफारिशें की, जिसमें कुछ संशोधन किए गए, और अंतोगत्वा गैरसैंण की विधानसभा में ये विधेयक पारित हुआ। उस पर भी माननीय राज्यपाल जी ने मोहर लगाई है, यानी कि अब हमारे जो महंगाई के आधार पे, या आप सामान्य स्थिति देख सकते हैं पहले से महंगाई बढ़ी है, के आधार पे हमारे माननीय विधायक गणों के जो वेतन और भत्ते में वृद्धि हुई है, तो इसमें लगभग 1 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से अब आने वाले टाइम पे हमारे माननीय विधायकगण और दक्षता के साथ और अच्छे भाव के साथ और अच्छी मेहनत के साथ, क्योंकि ये सरकार का काम है, सरकार ने कर दिया, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जो मैंने पहले कहा था कि जिस समय केदारखंड आपदा से ग्रसित है, चंपावत जिला आपदा से हलाहल है, उधर हमारा जो गरुड़ के आगे लगा हुआ, हमारा बागेश्वर से लगा हुआ कपकोट भराड़ी का क्षेत्र है, चाहे धारचूला का क्षेत्र है, चाहे चमोली क्षेत्र है, ये सब आपदा से इस समय त्राहिमाम कर रहे थे। इस समय आवश्यकता थी कि सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए पहले राहत कार्य करती और सही समय आने पर, समान स्थितियां होने पर ये वेतन उसका बढ़ाती तो ज़्यादा बेहतर होता।